नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फरीदाबाद के गांव भिरनारा में सरपंच पर गांव की एक महिला ने दुष्कर्म के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने सरपंच सुभाष के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले गांव की महिला ने सरपंच पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए और पुलिस को शिकायत भी दी थी, लेकिन जब महिला के कोर्ट में बयान करवाए गए तो महिला ने उस पर दुष्कर्म के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और DSP इस मामले की जांच भी कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़िता ने कहा कि वह घर पर अकेली थी और उसी समय सरपंच मौका पा करके वहां घर में घुस आया और उसने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि इससे पहले भी सरपंच छेड़छाड़ के मामले में कई बार मेरे घर पर आ चुका है, जिसकी शिकायत मैंने गाँव के जानकार लोगों को भी दी थी। पीड़िता ने इंसाफ की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने आरोपी सरपंच को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। वहीं इस मामले में DSP धर्मवीर पुनिया ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता के बयान को आधार मान करके केस दर्ज कर लिया है और DSP द्वारा इस मामले की जांच भी की जा रही है। गौरतलब है कि गांव भिरडाना में सरपंच सुभाष फतेहवाद के विधायक दूड़ाराम के बिल्कुल खास माने जाते हैं और इसी की वजह से सरपंच पर जो आरोप लगे हैं उनको लेकर पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। जदों 12 तारीख तो पहला भी एक दो बार मेरे घरे आया, इन्हें मैंने छेड़छाड़ की, उस तो बाद मैं पिंड के कई बंद भी दसिया घरे बुला के कि मेरे नाल सरपंचा कर गया इस तरह, मैंने छेड़छाड़ की, मेरे छाती ने हाथ लाया, मेरे किस भी की। उस तो बाद 12 तारीख न फिर मेरे घरे आया, जिस न उसने मेरे नाल बलात्कार भी किया और मैं जान तो मरण की धमकी भी दी, जे किसी को दसेंगी तो तेन जान तो मरवा देंगा। तो कदों की गल है ये? हाँ जी 12 तारीख की। उस टाइम बारिश पै रही थी, कोई भी करे नहीं सी, देवर मेरा यूपी गया हुआ सी, दरानी मेरी भी करे नहीं सी, मैं कल्ली उस टाइम करे गई सी। तो फिर की मांग है तुम्हारी हुण? हाँ जी मैनू इंसाफ दिता जाए, वो बंदा शरेआम घूम रहा, मैं उन्हों अरेस्ट किया जाए, मैनू किसी टाइम भी वो मरवा सकता है, मेरी जान नू भी खतरा है। तो केड़े कौन है बंदा? वो पिंड दा सरपंच है। ठीक है, बटाना गांव के जो सरपंच है, मौजूदा सरपंच सुभाष, इसके खिलाफ इलाके की औरत ने छेड़खानी के आरोप लगाए थे और जो चमड़का मुकदमा किया गया था। उसके बाद न्यायालय में 164 CRPC के तहत जो महिला उसके स्टेटमेंट करवाई गई, जिसमें उसने कहा मेरे घर में घुसकर इसने मेरे साथ रेप भी किया है। तो इस जो अभियोग है इसके साथ 174 IPC में ईजाद कर दी गई है और तफ्तीश चल रही है, जो अक्यूज है उसकी तलाश की जा रही है। तो गिरफ्तारी हो पाई है सरपंच की? सर अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है और DSP साहब से वेरिफिकेशन इसकी नहीं है, उनके इंतजार से तफ्तीश करने के आदेश दिए गए।